राधे राधे। आप सभी साथियों को रक्षा बंधन पर भी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम आपके भाई के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर आए हैं। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन को भाई बहनों के विशेष त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, जो कि दोनों के बीच अटूट प्रेम को दर्शाता है। हर वर्ष ये पर्व सावन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन इस वर्ष 19 अगस्त 2024 सोमवार को मनाया जाएगा। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसे लंबी उम्र और तरक्की के लिए प्रार्थना करती है, और भाई भी अपनी बहन को उपहार देने के साथ उसकी रक्षा का वचन देता है। ये तो आप सभी को मालूम ही होगा कि राखी बांधने से पहले बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है और तिलक को शुभता के साथ दूर कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कुछ खास चीज़ों से तिलक किया जाए तो इससे आपके भाई की तरक्की हो सकती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। तो आइए जानते हैं किन चीज़ों का तिलक करना चाहिए। इसके लिए हल्दी का तिलक, आपने घर में किसी पूजा के दौरान या शुभ कार्यों के दौरान हल्दी का तिलक लगाते हुए देखा होगा, क्योंकि हल्दी को शुभता, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में जब आप अपने भाई के माथे पर हल्दी का तिलक लगाती हैं तो जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही हल्दी को स्वास्थ्यवर्धक भी माना जाता है, इसीलिए इसे तिलक से उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। और दूसरा, केसर का तिलक, आपने घर में केसर का उपयोग कई शुभ कार्यों में देखा होगा, क्योंकि इसे सम्मान और शुभता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में इस रक्षाबंधन पर आप अपने भाई को केसर का तिलक करें, इससे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। इसके अलावा केसर को गुरु ग्रह से जोड़कर भी देखा जाता है, इसीलिए जब आप केसर से तिलक करती हैं तो भाई पर गुरु ग्रह की कृपा बनी रहती है। और तीसरा तिलक है कुमकुम का तिलक। रक्षाबंधन के इस त्यौहार पर आप अपने भाई का तिलक कुमकुम से करें, क्योंकि कुमकुम को विजय का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसे में जब आप इसे अपने भाई का तिलक लगाकर उसके जीवन में विजय की कामना करती हैं तो वो किसी क्षेत्र में पराजित नहीं होता, उसके लिए तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। मालूम हो कि कुमकुम माता रानी को पसंद होता है, ऐसे में आप कुमकुम का तिलक लगाकर माता रानी से अपने भाई की तरक्की की प्रार्थना कर सकती हैं। तो ये वो तीन चीज़ें हैं जिससे आप तिलक करके अपने भाई के अच्छे स्वास्थ्य, तरक्की और सफलता की कामना कर सकती हैं। और इस बार तो रक्षाबंधन के दिन कई दुर्लभ योग बन रहे हैं, तो आपका उपाय अवश्य सफल होगा। आप अपने भाई की तरक्की, खुशहाली के लिए अवश्य तिलक करें। इन चीज़ों से आप और आपके पूरे परिवार पर माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, महादेव की कृपा बनी रहे। इसी के साथ इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा चाहती हूँ। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। दोस्तों, आपसे अपनी एक समस्या शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसी से गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसके चलते पोस्ट बनाते समय दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ ठीक से नहीं आती है। इसके लिए साथियों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी हमारा साथ अवश्य देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रक्षाबंधन।